तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 65 को। आइए, आपको वीडियो आज पसंद आ रही होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, बस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से ये लोग हॉरर मूवी देखने के लिए बैठे थे रात को, और कुइयान को सिस्टर को इनको बहुत बहुत ज्यादा डर लग गया था और कांपने लगी थी, और हाव का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगती है, क्या मैं तुम्हारे साथ आज रात को सो सकती हूँ? तब हमारे ठरकी दोस्तों ने सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो ऐसे कुछ हुआ भी नहीं। तभी स्टोरी आती है प्रेजेंट में, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सिस्टर क्वीन को, जो कि सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के साथ अंगड़ाइया लेते हुए उठती है सुबह, और अंगड़ाइया लेते हुए मन में सोचते कहने लगती है, मेरे साथ मेरे हाथों पर मेरा हाव आज सोया था, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान ने ब्लास्ट कर दिया आज तो, मेरे लिए और भी ये बेटर होगा, काश मैं तुम्हें कल किस कर पाती तो कहीं मजा आ जाता। और इन तरीके के ख्यालों से हाव की तरफ मुड़ती है, देखती है उठते हुए, और हाव को देखती है तो हाव के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो तो ऐसा लगता है जिंदा लाश पड़ी हुई हो, उसकी सारी की सारी आत्मा तो उसके शरीर से बाहर आ गई। ये देख के सिस्टर क्वीन भी कंफ्यूज होती है और वो घबराने लगती है, और घबराते हुए उससे कहने लगती है, ए हाव हाव क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा बेकार से चेहरा बनाकर क्यों बैठे हुए हो, कहा कि तुम्हें कहीं पर अनकंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है, अपनी सिस्टर को थोड़ा देखने दो इधर उधर। तभी वो उठता है, उसकी आंखें ऐसी लग रही होती है जैसे कि किसी ने उसका खून चूस लिया हो पूरा का पूरा, लेकिन हाँ उससे कह लगता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है सिस्टर को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ टकाटक, और मन में सोचते कह लगता है, तुम्हारे आम पर सोना पूरी रात भर, मुझे तो बिल्कुल भी नींद ना आई, और तो और गुब्बारों में मुझे फंसा रखा था पूरी पूरी रात भर, और आखिरकार ऐसे कोई करेगा तो कोई भी मर्द नहीं सोने पाने वाला हमारी दुनिया से, तो उस दुनिया की बात अलग है, लेकिन फिर भी है तो ये अपनी ही दुनिया का नॉर्मल इंसान है। और तभी जो कोई ना उसको सिस्टर कोई ना उसे कुछ समझ तो आता है नहीं है, और हाउ तो कहने लगती है, पुअर बॉय, आज के बाद हम कभी भी हॉरर मूवी नहीं देखेंगे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा डर लग गया, तुम्हारी जो सिस्टर है इस बात को भुलाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर करेगी। और तभी वो जो हाउ था वो कंफ्यूज होता है, फिर से घबराते हुए सोचने लगता है, और क्या लगता है क्या ये फिर से कुछ उल्टा सीधा करने वाली है क्या, और तो और मैंने रात भर कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी को कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली हो, मेरी बॉडी वाकई में बहुत वीक है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उसने कुछ भी नहीं किया। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो स्कूल के रेडी हो रहा है, तभी उसके मोबाइल पर काफी ज्यादा मैसेज पड़े हुए होते हैं जो कि लॉन्ग की तरफ से आए हुए होते हैं, उसने काफी सारे मीम्स बनाए होते हैं उनकी फोटो, उस हाव की फोटोज के, जिसमें लिखा हुआ था, हमारा बेबी एंग्री है, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, हमारा मेल गॉड गुस्सा है, इस तरीके की मीम्स बना दिए उसके, और वो लगातार भेजे ही जा रहा है। और तभी मैसेज भेजता है सर मीम बनाने के बाद, ब्रदर हाँ जी को देखो सही, मैंने तुम्हारे फोटोज की इमोजी बनाए हैं, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये इंटरनेट पे इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। और ये देखने के बाद तो वो और भी भड़क जाता है और कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी, तो जरा देखो सही बिना पूछे मेरी इमोजी बना डाला तूने, और कहने लगता है, इस बादशाह को देखो सही आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया फिर से मेरे साथ, मुझे ऐसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा स्कूल जाकर ताकि इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। और वो अपनी सिस्टर को इनको ढूंढने लगता है, और बाहर देखता है कि जो सिस्टर कोई ना उसका टैबलेट लेकर अपना टैबलेट लेकर सोफे पर बैठी हुई है, और इधर मुड़कर देखते हैं तो कहीं मासूम लग रही होती है, और तभी सिस्टर को उससे कहने लगती है, हाँ हाँ तुम स्कूल जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी पे थोड़ा ध्यान रखना। तभी हाँ कहता है, अच्छा ठीक है सिस्टर को मैं स्कूल चलता हूँ। तभी वो देखता है अचानक किसी चीज को देखकर घबरा जाता है, और वो पूछने लगता है, सिस्टर क्वीन आखिरकार अपने टैबलेट पर आप क्या देखने में लगी हुई इतना ज्यादा गौर से? तभी वो कहने लगती है, कुछ भी नहीं, मैं बस अपने फ्रेंड से बात करने में लगी हुई थी, और तो और मेरे फ्रेंड के द्वारा तुम्हारे कुछ फोटोज के इमोजीज थे वो मेरे पर आए हैं। तभी वो भी देखता है तो पता चलता है कि ये भी इमोजी शेयर करने में लगे हुए हैं, और वो कहने लगता है, ये सब ये लोग ने किया है, यानी कि लॉन्ग ने किया है, जब उसके पास कुछ भी काम करने के नहीं होता है, प्लीज सिस्टर क्वीन इसे यूज मत कीजिए, डिलीट कर दीजिए। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है, खैर मुझे इन सब की जरूरत है नहीं, जब मेरे पास असली का हाव है तो, और दूसरी तरफ अपने गुस्सा बनाते हुए धीरे से बोलती है, जो हाव हाव की ब्यूटी है वो सिर्फ मेरे को ब्लॉक करती है, अपन की और किसी की नहीं, मैं किसी को नहीं देने वाली, ये आई कदा ही होगा रॉल। और तभी ये सुनती है वो सरप्राइज होता है और बोलने लगता है, सिस्टर क्वीन क्या तुमने अभी भी कुछ कहा था? और वो कुछ नहीं कहती उससे, और उससे मना कर देती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और तुम जल्दी से स्कूल जाओ, अगर तुम लेट हो गए तो मैं डैड को बता दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है स्कूल में आ जाता है, और जितनी भी लड़कियां होती है वो उसे देख कर कहने लगी होती है, जरा इस लड़के को देखो तो ये तो वही लड़का है ना जो इमोजी में यूज किया गया था, शिट ये तो वाकई में सच है। तभी दूसरे बंदा कहता है, इस जैसा बंदा तो मैंने रियल में कभी नहीं देखा, ये तो काफी ऑसम लग रहा है, इस जैसा कोई अच्छा बंदा है भी आसपास हमारे, और मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। और तभी वो कहने लगता है, कितना ज्यादा बड़ा क्राइम हो गया है, जब से लॉन्ग ने मेरे इमोजीज को पोस्ट किया है ऑनलाइन तब से मैं सेलिब्रिटी की तरह बन चुका हूँ फिर से, और मैं कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। तभी एक और लड़की आती है हाव से, और हाव के पास, और हाव से कहने लगती है, हे हाव क्या तुम्हारी ये पिक्चर्स पैक है क्या, ये वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है,
ये जरूरी हमारा हाव होगा, हमारे स्कूल का मेल एजेंट तो ठहरा, अब वो फ्यूचर में एक बिग स्टार बन जाएगा, तो क्यों ना तुम हमारे लिए अभी ही ऑटोग्राफ साइन कर दो। और वो वहाँ से भग जाता है बसते हुए, कहने लगता है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और तभी वो कहने लगता है किसने इस बात की उम्मीद की थी कि ये इमोजी का पैकेज इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। अब मुझे दिन भर लोग हरास नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही बात नहीं है मेरी लाइफ के लिए। और वो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और लॉन के पास आता है, चिल्लाते हुए दरवाजा खोलता है और कहने लगता है हे चूजे इधर आ जल्दी से। लेकिन जो लॉन्ग होता है वो कतई खुशी होती है, अपना मोबाइल लाता है हाव से, कहने लगता है हे हाव क्या तुम और भी पिक्चर्स के साथ अपने इमोजीज बनवाना चाहते हो, मेरे पास तुम्हारे काफी काफी ज्यादा फोटोज पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ दिखा जाता है जो हाव का पारा होता है ना वो एक एक करके बढ़ रहा है और गुस्से में उससे कहने लगता है तुम जल्दी जल्दी सारे के सारे फोटोज अपने मोबाइल से डिलीट कर दे, और ऐसा अगर तूने फिर भी करने की कोशिश की तो पता है ना तेरे साथ क्या करूंगा, तेरे सारे के सारे लिपस्टिक की फोटो वायरल कर दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है जांग हाव, और तभी हमें यूएजा को दिखाया जाता है। वाओ कभी क्यों लग रही है, बवाल लग रही है, इसने अपने आंखों के सामने से बाल जो उठा लिए अब लग रही है बिल्कुल एकदम क्या ही बोले। और तभी उससे पूछ लगती है हे जांग हाव क्या तुम अनहैप्पी हो अभी। तभी हाव उससे कह लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इससे ऐसे बोल रहा था। तभी जो लॉन्ग होता है वो उससे कह लगता है वैसे एक बात बताओ तुमने यूएजा अपने बाल कटा लिए क्या। तभी यू ऐसे कह लगती है हाव ने मुझसे कहा था कि जो मेरे बाल थे मेरे आंखों के सामने बहुत ज्यादा आने में लगे थे, इसलिए मैंने इसे छोटा करा लिया। तभी हाँ उससे लगता है तो मैं देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रही हो, जरा देखो तो सही यू है आपको, बिल्कुल अच्छी लड़की बनके फिर रही है, बाकी लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा बेटर फील होती है। और तभी यू है उसके पास आती है और प्यारा चेहरा बनाते हो, भाई उस पहले के मुकाबले में ज्यादा क्यूट लग रही है कुछ। और उससे कह लगती है जांग हाओ आज आफ्टरनून में मैं तुम्हें अपने नया ढूंढा हुआ सीक्रेट बेस पर ले जाऊंगी और तुम्हें वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तभी वो लोग पुराने स्कूल की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर वो बैठकर अपने सीक्रेट बेस पर बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से पीछे आवाज आने लगती है ओ माय गॉड, उल्टी सीधी हरकतों की, यहाँ पर एक दूसरे के दो एक लड़का एक लड़की कुछ कर रहे होते हैं, आप समझ गए होंगे ना क्या कर रहे हैं। अब मैं आवाज निकाल के तो नहीं दिखाने वाला, साले लड़के तुम लोग हरामी लोग कुछ ना कुछ तो कांड जरूर करोगे। और ये देखकर बहुत ज्यादा दोनों के दोनों शर्मा रहे होते हैं और लाल पड़ गए दोनों। और तभी कहता आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है यहाँ पर। और दूसरे में दिखाया जाता है लड़का लड़की को, यहाँ लड़का कह रहा था प्लीज मैं तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे किस नहीं मतलब ओनली किस करोगी और ज्यादा कुछ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारे हाथ और पैर कहीं और ही जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लड़का लड़की से कह रहा है ठीक है, याद रखना सिचुएशन को। और इसको देखने के बाद जो हाव होता है वो उससे कह लगता है मैं तो बस सीक्रेट बेस को देखने के लिए आया था जो यूएआई ने नया नया ढूंढा था, यहाँ तो कुछ और ही कांड चल रहे हैं और इस बात की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और दूसरे में हमें यूएआई को दिखाया था जिसका चेहरा टोटली लाल पड़ गया होता है और वो जांघा को बुलाती और कहती है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती तब तक तो जांग हाओ अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और कहने लगता है तुम अभी कुछ मत बोलना। लेकिन जो यूएहा के एक्सप्रेशन होते हैं वो ठीक नहीं लग रहे होते हैं क्योंकि हाओ का जो हाथ होता है वो उसके मुंह पर होता है। तभी अचानक से हाओ कुछ महसूस होता है और वो कतई सरप्राइज होता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और सरप्राइज होते हुए कहने लगता है यूएहा तुम मेरे हाथों को चाटना बंद करो, ओ शिट ये तो कोई ठरकी वाली चीज बन गई है, कुछ बाहर आ जाएगा देखकर। और इसी ठरके वाले एक्सप्रेशन के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सीनराज साइनिंग आउट।